हे फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय अनदर रेसिपी अंकिता स्टाइलेंट। इसमें आप लोग का स्वागत है। आज हम भिंडी का चोखा बनाएंगे जो कि खाने में बहुत टेस्टी है। भिंडी को लेडीज फिंगर भी बोलते हैं। मैंने एक लोहा का तवा ले लिया है। लोहा के तवा में हम लोग पहले गैस ऑन किया है मैंने, और लो मीडियम पे ही गैस रहना चाहिए। और सारे भिंडी को इसी पर हम रख लेंगे और इसे अच्छी तरह से ढक कर पकाएंगे। बहुत लोगों को भिंडी पसंद भी लगता है और कितने लोगों को पसंद भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चोखा जो कि बिना तेल का, हल्का थोड़ा सा इसमें तेल यूज होगा और आपको बहुत टेस्टी भी लगेगा चोखा। आपने शायद बहुत कम ही लोग खाए होंगे आप लोग चोखा, तो आपको इसी तरह इसको पलटना है। अब हम जानते हैं भिंडी में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर एक है कैंसर। भिंडी को अपने थाली में आप शामिल कर आप कैंसर को भगा सकते हैं। और देखिए, हमारा ये भिंडी हो चुका है एक साइड से। फिर इसको हम ढक देते हैं और धीमी आंच में ऐसे ही पकाते हैं। और मधुमेह के लिए भी भिंडी बहुत फ़ायदे करता है। और ये लहसुन और मिर्च हैं, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे। अब देखिए, हमारा भिंडी ये पक गया है। अब इसको हम उलट पुलट कर लेंगे ताकि अच्छे से पक जाएंगे चारों तरफ से। आपको पता चल जाएगा कि ये भिंडी ना सॉफ्ट हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे थोड़ा सा, नहीं तो हम कट इसे कर नहीं पाएंगे। और फिर ये अब हम लेंगे लहसुन और मिर्च को पकाने के लिए हल्के से सरसों का तेल है ये 1/2 टेबल स्पून। आप किस कोई चीज़ में अच्छा से पका लीजिए। मैंने ये फ्राई करने वाला एक छोटा सा करछी है उसी में मैं पका रही हूँ। और लहसुन को डाल देंगे और मिर्च को डालकर अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारे ये लाल ना हो जाते हैं। आप चाहे तो ये ऑयल स्किप कर ऐसे ही रोस्ट कर लीजिएगा इसे, लहसुन और मिर्च को। फ्रेंड, भिंडी हमारे पाचन शक्ति में भी काम करता है और भिंडी से हमें आँखों की रोशनी में भी बहुत हेल्प करता है। तो भिंडी बहुत सारे गुण से भी भरे हुए हैं। अब हमारा ये भून चुका है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। देखिए, अब हमारा रेड हो चुका है और हम अब चलते हैं ये भिंडी को कटिंग करेंगे। भिंडी को अब हम कैसे कट करेंगे, अब ये भी देख लीजिएगा। ये आगे के पार्ट को हम निकाल देना है और पीछे के पार्ट को हमें निकाल देना है। आप देखते रहिएगा भिंडी में कहीं कीड़ा भी ना लगो, इसमें पता भी चल जाता है कीड़ा लगा है कि नहीं। तो आप देख लीजिएगा ठीक से कि कीड़े भी तो नहीं है अंदर। और इसमें थोड़ी मेहनत लगते हैं यही भिंडी कटिंग के टाइम ही, बाकी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसी तरह हम सारे भिंडी को कट कर लेंगे। देखिए, इसको भी ऐसे आगे का पार्ट और इसके पीछे का पार्ट हम निकाल देंगे और भिंडी को अच्छे से फाइनली चॉप कर लेंगे। भिंडी आपके दिल को भी स्वस्थ रखती है। भिंडी एनीमिया में भी काफ़ी लाभदायक होता है। अब देखिए, हमारा सारा भिंडी कटिंग हो चुका। अब हम जो लहसुन और मिर्च को पकाए थे उसमें हम डाल लेंगे, इसमें सारे ये एक साइड डाल लेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और फिर हम लहसुन और मिर्च को ही नमक के साथ पहले अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि वो लहसुन जो दाने दाने होंगे वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे, तो मुँह में भी नहीं पड़ेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। और फिर इसी के साथ हम सारे भिंडी के साथ हम लहसुन और मिर्च को भी मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये न्यू रेसिपी है आपके लिए, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपके अपने रेसिपी में सब फ़ायदे भी बताती हूँ रेसिपी के साथ साथ, तो आप फुल वीडियो भी देखिएगा। ये भिंडी के लसलसा पदार्थ से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। अब देखिए, हमारी रेसिपी बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।